ऑप्शंस की बात करें अगर हम, तो ये डिपेंड करता है हमारी यूनिट के ऊपर कि किस यूनिट पे हम ड्राइंग बना रहे हैं। हम लोग ज़्यादातर मीटर और मीट्रिक चलते हैं, ज़्यादातर मीटर और एक तो हम ड्राइंग बनाते हैं फीट एंड इंचेस में, दूसरा मीटर आ जाएगा हमारे पास, तीसरा एमएम आ जाएगा, मिलीमीटर आ जाएगा, चौथा सेंटीमीटर आ जाएगा। ये चार यूनिट हमारे फील्ड में यूज़ होते हैं, इनमें मोस्टली मीटर या एमएम यूज़ कराते हैं। पहले हम बात करेंगे फिट और इंचेस की कंडीशंस कहाँ पे आती है। तो फिट और इंचेस के लिए हम एक काम करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक 10 फीट की लाइन ड्रॉ करी, यूनिट हमने क्या ली है, यहाँ पे क्या लगा है डेसिमल, हमें क्या लेना है आर्किटेक्चर और इंचेस, इंचेस का बहुत ध्यान देना, 10 फीट हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारे पास, वर्टिकल लाइन है हमारे पास, सर्कल है हमारे पास, दो सर्कल के हमें निकालनी है डायमेंशंस, या कभी कभी हमारे पास कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट भी अलाइंड आ जाता है, या हमारे पास ये भी हो सकता है कि हमें इसका एंगल पता करना हो। तो सबसे पहले हमें ऊपर ऑप्शंस मिलेगा डायमेंशंस का, डायमेंशंस के अंदर बहुत हैं जो इम्पॉर्टेंट है, मैं उसको कवर करता हूँ जो हमारे यूज़ में आएंगे। फर्स्ट है हमारे पास क्विक डायमेंशंस। क्विक का मतलब होता है कि आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट, मतलब कि चाहे वो वर्टिकल लाइन हो चाहे वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो, किसी भी लाइन को सेलेक्ट करके एंटर जहाँ हम रखेंगे अप या डाउन क्लिक कर। मैंने क्या देखा, डायमेंशंस आ गई हमारे पास। अब सोचने की बात यह है कि हम वर्क कर रहे हैं फिट और इंचेस में और डायमेंशंस शो करा रहा है डेसिमल में। मैंने 10 फीट लिया है तो 10 फीट को वो इंचेस में कन्वर्ट करके दे रहा है 120। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इस डायमेंशन के साइज़ को, इसके फॉन्ट को, इसके एरो को हम चेंज करें। तो ये इम्पॉर्टेंट है, जब हम डायमेंशन को मेंशन करते हैं अपनी ड्राइंग में तो हमें डायमेंशंस की सेटिंग भी करना होती है साथ साथ। अब पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे निकल आया कि डायमेंशंस सेटिंग, और डायमेंशन सेटिंग्स के लिए कमांड होता है डी एंटर, जिससे हम लोग कहते हैं डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। ये हो गया हमारा डी एंटर। चलिए डी एंटर कर लेते हैं, और डी एंटर करके पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं उसके बाद हम बात करते हैं। तो डी एंटर करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। आपको यहाँ पे सेट करंट, न्यू, मॉडिफाई, ओवरराइड, कंपेयर, क्लोज, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मुझे आना है मॉडिफाई में, क्यों, क्योंकि अभी हम करंटली डायमेंशंस को मॉडिफाई करने जा रहे हैं। मैंने मॉडिफाई पे क्लिक करा तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैब नज़र आएंगे, लाइन, सिंबल्स एंड एरोज, टेक्स्ट, फिट, प्राइमरी यूनिट। फर्स्ट हम आते हैं प्राइमरी यूनिट पे। ये वो चीज़ है यूनिट फॉर्मेट कि हम जिस ड्राइंग पे काम कर रहे हैं जिस यूनिट में, वही यूनिट हमें यहाँ भी सेट करना है। एग्जांपल, अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ फिट इंच और इंचेस में, तो हमारे यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ मीटर में, एमएम में और सेंटीमीटर में, तो ठीक है। अभी करंटली हम किस में काम कर रहे हैं, आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर के अंदर ऑटोमेटिकली वो फिट और इंचेस कवर कर ले। बस हमें ये बताना है डी एंटर करके क्या हमारा यूनिट फॉर्मेट क्या है, किस यूनिट फॉर्मेट में हम ड्राइंग बना रहे हैं। तो हमारा यूनिट फॉर्मेट वहाँ पे क्या चल रहा है, आर्किटेक्चर। मैं थोड़ा सा कन्फर्म करा देता हूँ, मैंने यू एन एंटर करा,
ऐसा नहीं है यहाँ पे डेसिमल वहाँ आर्किटेक्चर है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर यहाँ आर्किटेक्चर है तो डी एंटर करके मॉडिफाई पे आना है, और यहाँ पे भी हमें क्या लेना है प्राइमरी यूनिट में आर्किटेक्चर। अच्छा, प्राइमरी यूनिट के अंदर कुछ ऑप्शंस आपको नज़र आते हैं, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑप्शन सेट कर दिया है, सेट करने के बाद हम आते हैं टेक्स्ट ऑप्शन में। तो टेक्स्ट का मतलब होता है ये जो डायमेंशंस अभी बहुत छोटी सी जो आ रही थी हम लोगों की, दैट इज़ कॉल्ड टेक्स्ट इन मॉडिफाइड डायमेंशन स्टडी स्टैंडर्ड। इसके फॉन्ट को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये आप इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि टेक्स्ट का स्टाइल आप इसको चेंज करना, ठीक है आप इस पर क्लिक करो। तो इसमें जो टेक्स्ट का स्टाइल है हमारा, हम डी एंटर करके टेक्स्ट में आए, प्राइमरी यूनिट हमने आर्किटेक्चर कर ली, और टेक्स्ट में हम टेक्स्ट का स्टाइल यहाँ पे चेंज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट का स्टाइल चेंज कर लेंगे। हम आते हैं यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल में, और टेक्स्ट स्टाइल में हम यहाँ पे क्लिक करके इसके फॉन्ट को हम चेंज कर सकते हैं, अप्लाई क्लोज, कलर चेंज करना चाहें डायमेंशंस के कलर को हम चेंज कर सकते हैं, फिल कलर है लेकिन होता नहीं है, करना चाहें तो कर सकते हैं बट नॉर्मल। बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हमारी टेक्स्ट हाइट। तो यहाँ पे समझने की चीज़ ये है कि अगर मैं डायमेंशंस निकाल रहा हूँ, वहाँ पे मेजर कर रहा हूँ, और अगर हम इन चीज़ में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे टेक्स्ट की जो हाइट है अभी हम बहुत ही कम लेके चलते हैं, कितनी लाइक 6 inches। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट की हाइट कितनी रख ली, 6 inches। टेक्स्ट अपीयरेंस में टेक्स्ट का स्टाइल हमने चेंज कर लिया, कलर चेंज कर लिया, और टेक्स्ट हाइट हमने 6 inches कर ली। सिंबल्स एंड एरोज़ की बात करें, ये जो कॉर्नर में होते हैं सिंबल्स एंड एरोज़, इनको भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी दिख नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि एरो का साइज़ बहुत कम है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट रखा था 6 inch, और एरो भी हम यहाँ पे रखेंगे 6 inch। आया, इनको भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ओपन है ओपन कर सकते हैं, डिपेंड करता है हमारे वर्किंग के ऊपर कि हमें क्या लेना है, लेकिन मोस्टली हम लेते हैं क्लोज फिल। लाइंस में आते हैं, तो लाइंस में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, पहला होता है डायमेंशन लाइन, दूसरा होता है एक्सटेंशन लाइन। तो डायमेंशन लाइन का मतलब होता है ये वाले जो एरोज होते हैं, और एक्सटेंशन लाइन जो आपस में कनेक्टेड करते हैं ऑब्जेक्ट के पॉइंट से। तो इसका यूज़ क्या होता है, एग्जांपल लो, हमें ये लाइन और ये लाइन दोनों अपनी ड्राइंग में नहीं चाहिए। हम जैसे ही एक्सटेंशन लाइन में आने के बाद इन दोनों बॉक्सेस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वहाँ से रिमूव कर देंगे। अगर हमें रखना है ठीक है, अनचेक, नहीं रखना है तो चेक, थोड़ा थोड़ा रखना है नहीं, वो अटैच एक ही करता है। डायमेंशन लाइन का मतलब होता है कि जो डायमेंशन का कलर है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, इनके एरो का चाहो तो ठीक है बना रहने दो। इनको रिमूव करना है तो सप्रेस में ऑप्शन आता है डिम लाइन 1 एंड डिम लाइन 2। डिम लाइन 1 एक एरो रिमूव, डिम लाइन 2 सेकंड। तो हम इन दोनों को अनचेक कर देते हैं। तो ओवरऑल चेंजेस करने के बाद हम ओके करेंगे, और हमेशा याद रखिएगा कि चेंजेस करने के बाद ओके करना है, क्लोज नहीं करना है, सेट करंट। सेट करंट करने के बाद जैसे ही मैंने यहाँ से क्लोज करा, ऑटोमेटिक हमारी डायमेंशंस करेक्ट हो गए। अब बात आती है कि क्विक का मतलब क्या, समझ में आया कि ये पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, एंटर करना है, और जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे क्लिक करना है। कुछ लोग लीनियर भी यूज़ करते हैं, क्यों? एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि इस लाइन की फुल लेंथ भी शो कराऊँ और हाफ लेंथ भी शो कराऊँ, तो हम उसके लिए भी यूज़ करेंगे लीनियर। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता है, लीनियर क्या करता है पॉइंट टू पॉइंट, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट अप या डाउन, जहाँ रखना है क्लिक। इसी लीनियर के थ्रू पहला पॉइंट एंड मिड पॉइंट हम इसके हाफ निकाल देंगे, इसी लीनियर के थ्रू इस हाफ पॉइंट से यहाँ तक, तो ज़रा सा पॉइंट हमारा गड़बड़ हो गया तो डायमेंशंस भी गड़बड़ कर देगा। तो इम्पॉर्टेंट
डिपेंड करता है, मोस्टली लीनियरली यूज़ करते हैं। अलाइंट की कंडीशन कहाँ पे आती है, जहाँ पर ऑब्जेक्ट ऐसा होता है, उसका पहला पॉइंट, उसका दूसरा पॉइंट जहाँ पे क्लिक करेंगे। अच्छा, फिर आप कहते हो कि ठीक है, हम इसका फॉन्ट और इसका एरो थोड़ा सा और बड़ा करना चाहते हैं। हम वही प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे, डी एंटर, मॉडिफाई, पहले तो हम आएंगे टेक्स्ट में, और टेक्स्ट में आने के बाद हमने जो साइज़ लिया था उनको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे 8 इंच, एरो भी बड़े करने हैं, एरो पे आने के बाद हम इनको भी इंक्रीज़ कर देंगे 7 इंच। ओके, सेट करंट, क्लोज। आर्क का मतलब होता है कि अगर हमारे पास आर्क है ए एंटर वाली, इसको अगर हमें डायमेंशन देनी है तो आर्क पे आने के बाद जैसे क्लिक करके ऊपर रखेंगे तो टोटल इसका साइज शो करा देंगे। इसी में हमारे पास आता है रेडियस, तो रेडियस में हमारे पास क्या है कि हम रेडियस पे आए, हमने इसको सेलेक्ट करा, सर्कल की एज पे क्लिक करा और जहाँ पे रखना है क्लिक करते हैं। अब रेडियस है तो हम डायमीटर भी देख सकते हैं, डायमीटर में क्या है, डायमीटर में हम इसका दिखा सकते हैं। एंगल, ये दो लाइनें हैं, इनको इनको एंगल दिखाना है, फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन। और क्या ज़रूरत पड़ती है, मल्टी लीडर कि कहीं पे आपको कुछ डिटेल दिखानी है, कहीं पे कुछ लिखना है, तो उसके लिए फिर हम मल्टी लीडर यूज़ करते हैं। मल्टी लीडर में क्या है कि आप यहाँ पे एरो पे क्लिक करके, जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि ब्लॉक सी विथ कॉन्क्रीट ग्रेट M30 साइज़ वगैरह, हम साइज मतलब एक तरीके से डिटेल कह रहा हूँ मैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, कुछ भी हो सकता है, वो स्लैब हो सकती है, रूफ हो सकती है, फ्लोर हो सकती है, डोर हो सकता है, विंडो हो सकता है, कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। अच्छा, ये जो एरो, ये मोस्टली होता है कि जब हम बनाते हैं इसका एरो नहीं आता है, तो इसके एरो के लिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सी एच एंटर करते हैं, और यहाँ पे हम इसके एरो का साइज़ यहाँ पे हम ले लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देन इंक्रीज करते चले हो, देन अगेन सेलेक्ट करके सी एच एंटर करने के बाद एरो हेड साइज़। सेकेंड हम आते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट है सेंटर मार्क। कभी कभी होता है कि हम बहुत कोशिश करते हैं, सेंटर पॉइंट नहीं मिलता है। हम डायमेंशन पे आए, सेंटर मार्क पे आए, जैसे क्लिक करा, छोटा सा आया है सेंटर, तो ये ऐसा नहीं हो सकता कि इसका सेंटर थोड़ा सा बड़ा कर लें, ये हम वहीं बड़ा करेंगे डी एंटर करके मॉडिफाई में। मॉडिफाई में आए, यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटर मार्क, कितना बड़ा, मैंने कहा 6 इंच कह रहा हूँ। ओके, सेट करें, क्लोज। अब जैसे ही मैं डायमेंशन पे आके सेंटर मार्क पे आके क्लिक करूँगा, एक और देख लेते हैं, जॉग लीनियर क्या करता है, ये कंटिन्यूस का साइन शो कराता है, ये आपके डायमेंशन पे काम करता है, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, ये लाइन कोई ऑब्जेक्ट हमारा आगे कंटिन्यू है उसको हमें शो कराना है, देन वो शो कराएंगे हम जॉग लीनियर से फर्स्ट एंड सेकंड। ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो ये था हमारा पार्ट, अगर फिट और इंचेस में ड्राइंग हमारी होती है तो हम कैसे यूनिट को लगाते हैं। कंडीशन नंबर 2 की अगर हम बात करें, लाइक कभी कभी होता है कि ड्राइंग हमारी मीटर में है या फिर ड्राइंग हमारी सेंटीमीटर में है या फिर ड्राइंग हमारी mm में है, मिलीमीटर में है, तब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में। तो इसके लिए सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, मीटर का है। मैं काम कर रहा हूँ
मीटर में। मैंने यहाँ से यूनिट सेट किया और मीटर के लिए हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा लेंथ टाइप में डेसिमल और स्केल रहेगा हमारा मीटर एंड ओके। तो मैं क्या करता हूँ कि एक एरिया डिफाइन कर लेता हूँ 8.4 बाई 7.9 का और ये मैंने वॉल का ऑफसेट ले लिया, ठीक है। देन हम यहाँ से एक रूम बना लेते हैं 3 बाई 4 मीटर का एंड ले लेते हैं हम वॉल का साइज 0.30, कुछ भी हो सकता है। ये हमने एग्जांपल लिया है कि हमारा एक रूम है और यहाँ से हमने एक किचन ले लिया है एंड वॉल हमने यहाँ से ले लिया 0.30, ये हो गया। और ये हमारा एक डोर हो गया और 1 मीटर का हम यहाँ से डोर ले लेते हैं। तो एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं कि अगर हमारे पास ये कंडीशन होगी तब। एक तो एग्जांपल नंबर वन ये है। दूसरा मैं क्या करता हूँ कि मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एग्जांपल 10 मीटर की एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, हॉरिजॉन्टल 10 मीटर की एक, ये एंगल हो गया, एक सर्कल ले लेता हूँ 3 मीटर का और एक ले लेता हूँ अलाइंट। ये वो कंडीशन है जो हमारी ड्राइंग्स में हो सकती है, ठीक है। तो लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि फिट इंचेस में अगर ड्राइंग होती है तो हम लोग कैसे यूनिट को सेट करते हैं। अब बात हम कर रहे हैं किस चीज़ की, मीटर की। तो हमारा यूनिट क्या लगा हुआ है, डेसिमल एंड मीटर। और मैं आता हूँ डायमेंशंस में। ये सारी चीज़ें हम अभी पढ़ चुके हैं, फिट और इंचेस में हम लोगों ने पढ़ा था लीनियर अलाइन वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, रेडियस डायमीटर वगैरह। अगर लीनियर में हम आते हैं और मीटर में किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशंस को निकालते हैं तो वो आपके सामने कुछ ऐसा आता है, लाइक 10.000 डिजिट हमारी आती है 4 इसमें, और ये छोटा सा सिम एरो का सिंबल आता है और ये लाइन आती है। तो होता क्या है कि क्लियर नहीं हो पाता है कि हमने क्या ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मीटर में है या सेंटीमीटर में है या एमएम में है, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पाती है। तो हम क्या करते हैं, हम डी एंटर करके मॉडिफाई में आते हैं। तो अब बात हम कर रहे हैं कि अगर हम मीटर में काम कर रहे हैं तो डायमेंशन स्टाइल मैनेजर हमारा यहाँ पे क्या होगा, मतलब डी एंटर हम क्या रखेंगे। अच्छा, हमने लास्ट ये सारी चीज़ें कवर कर ली थी इसमें कि कैसे कैसे हमें क्या क्या करना है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे, ये तो मैंने क्लियर कर दिया है, लाइन समझ में आ गया होगा, सिंबल सेट हो आपको समझ में आ गया होगा, टैक्स समझ में आ होगा। हम फिट इंचेस में जैसे यूज़ करते हैं वैसे ही इसमें मीटर में यूज़ करेंगे, बट कुछ कंडीशन चेंज हो जाती हैं। मोस्टली लोग यूज़ करते हैं प्राइमरी यूनिट पे जाते हैं, डेसिमल ले लेते हैं, ओके सेट करंट करते हैं, बट वो चीज़ नहीं आती है। पहला स्टेप क्या है कि अगर मैं काम कर रहा हूँ यूएन एंटर करके, हमारी जो मेन यूनिट है अगर वहाँ पे डेसिमल है तो यहाँ पे भी डेसिमल होगी। नंबर दो, प्रिसिशन, कितने हमारे डिजिट आ रहे थे, 0.0000, मैं यहाँ पे 0.0 कवर करूँगा अभी। नंबर वन चीज़, मीटर में वर्क करने के लिए हमारा डायमेंशन स्टाइल मैनेजर क्या होगा, ठीक है। बट प्राइमरी यूनिट, यूनिट फॉर्मेट में डेसिमल, प्रिसिशन 0 होगा। एक चीज़ की मैं और बात करता हूँ, यहाँ पे आपको प्रीफिक्स और सफिक्स दो ऑप्शंस मिलेंगे। मोस्टली किसी को क्लियर नहीं है तो कि होता क्या है, अभी मैं इसकी बात करता हूँ। पहले मैं आगे बात करता हूँ टेक्स्ट वगैरह की। टेक्स्ट में आते हैं, हम टेक्स्ट का साइज़ कितना रखना चाहते हो, मैंने कहा 0.20, कुछ भी हो सकता है, आप अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट जो साइज़ है आप सेट कर सकते हो। मैंने 0.25 लिया है, ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं उसको डिक्रीज़ कर लूँगा हाइट को। सिंबल्स और एरोज भी हम 0.20 अप्रॉक्स लेके चलेंगे। और लाइंस में हमने अभी क्या पढ़ा था कि एक्सटेंशन लाइन 1 और 2 को रिमूव कर देंगे, देन ओके सेट करंट एंड क्लोज। चलो, ये लाइंस रिमूव हो गई है, ये लाइंस रिमूव हो गई है, टेक्स्ट का साइज़ भी ठीक है, एरो भी ठीक है। एरो का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम सिंबल्स एंड एरोज में आके ले लेते हैं 0.20 है, देन 0.25 एंड ओके करके सेट करंट एंड क्लोज। ये हो गया हमारा इसका साइज़, ठीक है। 10.0 क्या है, मुझे तो पता है कि क्या है, मीटर है। लेकिन हम किसी को ड्राइंग देंगे उसको तो क्लियर नहीं होगा कि 10.0 है। मोस्टली लोग वैसे मेंशन तो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, सबमिशन ड्राइंग जब बनाई जाती है तो उसमें मेंशन नहीं होता है। बट मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप मेंशन करना चाहो तो मेंशन कर सकते हो। तो बात हम कर रहे थे सफिक्स और
प्रीफिक्स की, सफिक्स में अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एग्जांपल के तौर पे मीटर और ओके करके सेट करंट करके क्लोज करता हूँ तो हमारे पास आ गया 10.0 मीटर। अच्छा 10.0 के बाद गैप नहीं है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे वापस जाएंगे और मीटर से पहले एक दो स्पेस हम ऐड करा के ओके सेट करंट और क्लोज करेंगे। ये देखो हमारा आ गया 10.0 विद स्पेस। ठीक है, दूसरी कंडीशंस क्या होती है, अगर हम यहाँ पे मतलब प्रीफिक्स में कुछ दे देते हैं, मैं अभी सिर्फ एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, मैं इसमें भी मीटर ऐड करा देता हूँ, मैंने इसमें भी मीटर दे दिया, ओके कर दिया, सेट करंट एंड क्लोज, तो क्या हो गया मीटर 10.0 मीटर। तो ये कंडीशंस इसके लिए नहीं है, मीटर के लिए नहीं है, ये कंडीशंस हमारी परफेक्ट आएगी किसके लिए, अगर हम वर्क कर रहे हैं फिट और इंचेस में। आप प्रीफिक्स को छोड़ दो, इसको आप ब्लैंक छोड़ दो, सफिक्स में मीटर दे दो बस। तो क्या होगा, हम जितनी वैल्यूज निकालेंगे 10.0 मीटर। एग्जांपल अगर हम यहाँ से ले रहे हैं अलाइंड, अलाइंड में हमारा क्या आएगा यहाँ से 10.0 मीटर। अच्छा ये तो रेडियस है, रेडियस तो मीटर में नहीं आएगा, खाली वो 10.0 मीटर ही शो कराएगा, डिजिट को हम नहीं लगाएंगे, खाली रेडियस शो कराएगा वो। ठीक है ना, तो इसको हम प्लेस नहीं करेंगे, इसको हम एडिट कर सकते हैं, हम डबल क्लिक करेंगे, आपको यहाँ से क्लिक करके जितना पार्ट रिमूव करना है आप रिमूव कर सकते हो और आप टाइप कर सकते हो R30 मैन्युअली प्लेस कर सकते हो, किसी भी डायमेंशंस को हम एडिट कर सकते हैं और हम जब अपने लेआउट में डायमेंशंस निकालेंगे मीटर में तो हमारी सारी की सारी डायमेंशंस आएगी बिल्कुल परफेक्टली जो हमने साइज मेंशन करा है इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया पार्ट हमारा क्या कि अगर हम मीटर में काम करें तो मीटर में हमारा किस हिसाब से होगा, फॉर्मेट क्या होगा और डायमेंशंस हम कैसे रखेंगे। टेक्स्ट अलाइनमेंट, मैं जब टेक्स्ट में आता हूँ और मैंने कहा कि टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइंड विद डायमेंशंस लाइन, इसका मतलब क्या होता है कि अलाइनमेंट वो ऑटोमेटिक ले लेगा। हाँ, ये भी प्रॉब्लम होती है लोगों को कि वो डायमेंशंस प्लेस कर रहे हैं, अलाइनमेंट होता ही नहीं है, वो मैन्युअली रोटेट कर रहे हैं। हमेशा याद रखो अगर डायमेंशंस आपको चाहिए है बिल्कुल परफेक्टली तो टेक्स्ट में आके टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइन विद डायमेंशंस आपको लेना है। आई एस स्टैंडर्ड से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे लेंगे क्या अलाइन विद डायमेंशंस लाइन। तो क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें मीटर में काम करना हो। नंबर दो कंडीशंस पे चलो हम आते हैं। नंबर दो कंडीशन है हमारी सेंटीमीटर और सेम एज इट इज़ होगा MMB। तो अब चलो हम सबको हटा देते हैं, मान लो हमने सबको रिमूव कर दिया और मैं यहाँ पे आके एक लाइन देता हूँ 150 सेंटीमीटर की, 150 और वर्टिकल एंड एक रेडियस ले लेता हूँ 50 का। अच्छा अब मैं अगर डायमेंशंस निकालता हूँ तो वो क्या करेगा, तो वो शो तो कराएगा 150 मीटर क्योंकि हमने सफिक्स में ऐड करा दिया है, ऑब्जेक्ट का साइज चेंज, यूनिट चेंज, तो डायमेंशंस का फॉन्ट भी चेंज हो जाता है। तो कोई बात नहीं, ऐसी कंडीशंस में हम कुछ नहीं करेंगे, प्राइमरी यूनिट में कुछ नहीं करना है, बस ऐड करा दो सेंटीमीटर। अच्छा शॉर्ट फॉर्म भी डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना लंबा चौड़ा मत टाइप करो, सेंटीमीटर 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 सेंटी टाइप कर दो बस, या अजीब नाम वगैरह ना सेंटी सेंटीमीटर डाल देते हैं। टेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे हम 10 लेके चलना है, भी 10 या 20 लेके चलना है, चेक कर लेते हैं पहले क्या कंडीशन है हमारी। एरो का साइज़ भी हम 20 लेके चलना है, ओके कर रहे हैं, सेट करंट कर रहे हैं एंड क्लोज कर रहे हैं, तो काफ़ी बड़ा हो गया। अच्छा जब हम वर्क करते रहते हैं सेंटीमीटर वगैरह फिटिचर में तो हमको एक आइडिया होता है, तो मालूम होता है कि हमें क्या डायमेंशंस क्या रखनी है, तो ये थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो सकता है, हम इसको मैन्युअली चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कम कर लेता हूँ, ओके सेट करंट एंड क्लोज, सो ओके थोड़ा सा और हमें चेंज करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिया है टेक्स्ट का साइज़ 10, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 7 एंड एरो का साइज़ भी ले लेता हूँ 7
ओके सेट करंट क्लोज, तो ये आ गया हमारा 150 सेंटीमीटर। तो अब हम जितनी डायमेंशंस निकालेंगे वो सारे सेंटीमीटर में आएंगी, और सेम प्रोसेस होगा कि अगर हम काम कर रहे हैं mm में तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, आप सिर्फ और सिर्फ यूनिट पे जाके यहाँ पे ले लेना mm, बस शॉर्ट फॉर्म डाल देना, ओके करके सेट करंट, तो क्या हो गया 150 mm एंड 150 mm 150 mm। तो ये तो हो गई बात हमारी डायमेंशंस की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट थी जो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। एक चीज़ की बात और मैं बताता हूँ बहुत इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें बड़ी होती हैं, कुछ चीज़ें छोटी होती हैं, कुछ ऑब्जेक्ट छोटे होते हैं। तो अब हम डायमेंशंस निकालते हैं तो ये तो बड़ी डायमेंशंस आ रही है, ये आपकी इस तरह आ रही है, तो क्या हम जो छोटे ऑब्जेक्ट होंगे उनके डायमेंशंस निकालेंगे तो फिर हम उनका क्या करेंगे? तो उसके लिए क्या हम मैनुअली टाइप करेंगे? बात समझ में नहीं आई, तो अभी मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। अब ये तो आ गया 20.0 mm, बट ये देखो कहाँ जा रहा है, 10.0 mm क्रॉस कर रहा है। अच्छा, मैं अगर और भी स्मॉल करता हूँ ना डायमेंशंस को, तभी वो वहाँ पे फिट नहीं आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, मैं एग्ज़ाम्पल आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें ये करना है कि ये जो इस साइड की जो डायमेंशंस है, हम ये एक अलग बनाएंगे। अलग बनाएंगे मतलब क्या हुआ, अलग बनाएंगे मतलब कि डी एंटर करने के बाद हम यहाँ से करेंगे न्यू, और न्यू करने के बाद हम नाम डाल देंगे स्मॉल ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले लेना, ठीक है, स्मॉल ऑब्जेक्ट कंटिन्यू। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि हम इस वाले में साइज़ रखेंगे कम, और जहाँ पर हमें कम साइज़ वाली डायमेंशन शो करानी है तो हम इसको एक्टिव करेंगे। कैसे, देखो अब मैं जैसे ही डायमेंशंस पर जाके इसको निकालूंगा ना, तो ये देखो, तो ये कम साइज़ वाली डायमेंशंस आ गई। देखो वहाँ पे ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया होगा स्मॉल ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड बड़े। अच्छा, इसको आप जितनी चाहो मल्टीपल डायमेंशंस क्रिएट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, स्मॉल ऑब्जेक्ट और स्टैंडर्ड दोनों पे आप काम कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारा, डायमेंशंस कैसे निकालनी है, कैसे हमें डायमेंशंस पे काम करना है, ठीक है। बाकी इसमें जो सारी चीज़ें हैं मल्टीलीटर वगैरह हो गया। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, लोगों को पता नहीं होता है कि अगर हम काम कर रहे हैं आइसोमेट्रिक में, तो यार आइसोमेट्रिक में डायमेंशन हम काम कैसे करेंगे, उसमें तो डायमेंशन बिल्कुल दिखाते नहीं है, ठीक। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं एक बेड का पोर्शन बना रहा हूँ 6x6 फीट का, और इसमें मैं डायमेंशन देता हूँ। तो लोग क्या करते हैं कि हमारी जो यूनिट्स लगी हुई है वो लगी है इंचेस, और डी एंटर करके हम जब आते हैं तो यहाँ पे हम एक न्यू ले लेता हूँ, मैं वहाँ पे टाइप कर देता हूँ फिट एंड इंचेस, तो ये हम फिट इंचेस के लिए बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, यूनिट फॉर्मेट हमारा आर्किटेक्चर आ जाएगा, टेक्स्ट का साइज़ हम ले लेते हैं यहाँ पे 8 इंचेस, एरो का साइज़ हम ले लेते हैं यहाँ पे 8 इंचेस, ओके। सफिक्स पे कोई मतलब नहीं, इसको मैं ब्लैंक छोड़ देता हूँ। लाइंस मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ओके सेट करंट एंड क्लोज। मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, वो लीनियर यूज़ करते हैं आइसोमेट्रिक में, ये देखो गड़बड़ आ रहा है। फिर क्या करते हैं, फिर वो अलाइंड यूज़ करते हैं, पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट, फिर वो कहते हैं अरे आ तो रहा है सही बट इसके पैरेलल नहीं आ रहा है। लेकिन होता क्या है कि जब हम अलाइन तो यूज़ करेंगे आइसोमेट्रिक में, लेकिन इसको हमें करेक्ट करना होता है एक टूल के थ्रू, क्योंकि अगर हम ऐसे प्रेजेंट करेंगे ड्राइंग किसी भी क्लाइंट को वो गलत है ना, जी सी लग रही है। आइसोमेट्रिक में डायमेंशंस प्लेस करने के बाद हम एक ऑप्शन यूज़ करते हैं एंड वो हमारा कहलाता है ऑब्लिक। ऑब्लिक पे आना है, डायमेंशन को सिलेक्ट करके एंटर करना है। अब दो पॉइंट, पहला पॉइंट ऑर्थो ऑन करके, दूसरा पॉइंट ये देखो, मैं दोबारा से आता हूँ डायमेंशंस पे आके ऑब्लिक सिलेक्ट करके एंटर, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, देन अगेन
डायमेंशंस पे आके ऑब्लिक, देन एक सेलेक्ट करके एंटर, देन फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, अगेन ऑब्लिक सेलेक्ट करके एंटर एंड फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ये है हमारा एक परफेक्ट वे ड्राइंग को प्रेजेंट करना आइसोमेट्रिक में, ठीक है। बाकी के इसमें मल्टी लीडर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंटर मार्क है, इंस्पेक्शन है, डॉक लीनियर मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया था, मल्टी लीडर का यूज़ भी मैंने बताया था आपको जब स्टार्टिंग में, अभी जब 14 inches पर मैं काम करके बता रहा था कि मल्टी लीडर का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डिटेलिंग के लिए यूज़ होता है। आप कोई सेक्शन एलिवेशन बना रहे हो, आप डायमेंशंस पे आओ, मल्टी लीडर पे आओ, और यहाँ पे आप मल्टी लीडर को ऑर्थो ऑफ करके ऐसे प्लेस करो, और आपको देना है ये स्लैब है हमारी एंड 9 inches है, कॉन्क्रीट है, कुछ भी ले लो, M30 ग्रेट है। तो ये हम इस तरह डिटेल शो कराते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में। ये देखो हमारा डिटेलिंग के पर्पस यूज़ होता है, एरो शो नहीं होता है। मोस्टली लोग कहते हैं यार मैं प्लेस तो कर रहा हूँ मल्टी लीडर पर, एरो एरो का साइज़ ही नहीं आ रहा है। एरो के लिए हमें क्या करना है कि हम इसको सेलेक्ट करने के बाद CH एंटर करेंगे, और CH एंटर करने पे हमारे पास एक ऑप्शन आता है, और वो कहलाता है क्या, एरो हेड साइज़। चलो मैं इसको बढ़ा के देखता हूँ कि क्या कंडीशन है। 6 inches, इसको थोड़ा जूम करता हूँ मैं, एरो हेड साइज 1 inch बड़ा, फिर मैं 2 inch और इंक्रीज हुआ, देन 3 inch, जितना आप चाहो एरो हेड को अपने अकॉर्डिंग प्लेस कर लो, और ये देखो हमारा परफेक्ट आ गया। इसे आप अच्छा आप डबल क्लिक करोगे, बाकी के ऑप्शंस इसमें मेंशन है, अंडरलाइन करना है कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है यहाँ से चेंज कर सकते हो, कलर इफेक्ट देना है आप यहाँ से दे सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड कर सकते हो, एंड क्लोज। ये होता है हमारा डिटेलिंग की तरफ से। दूसरी चीज़ है, कोई भी वीडियो अगर आप वॉच करें, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हैं, तो प्लीज़ उसको आप स्टार्टिंग से एंड तक वॉच करना, तभी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मोस्टली क्या होता है, स्किप करने से हमारा कुछ पार्ट तो समझ में आता है, कुछ पार्ट समझ में नहीं आता है, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।